अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से हैं। अभी हाँ रात के बज रहे हैं 10। हमने खाना खा लिया, डिनर करने के बाद हम अभी बाहर निकले थोड़ा चक्कर लगाने के लिए। मैंने सोचा चलो मैं आपको ये कॉलोनी का व्यू दिखा लेती हूँ थोड़ा सा। अभी वही निकले हैं, बच्चे हैं वो भी आगे भाग रहे हैं, तो हम थोड़ी देर डिनर के बाद तो बाहर निकलते ही हैं डेली, तो आप थोड़ा चक्कर लगाएंगे इधर उधर। दिन भर तो पूरा दिन आजकल अंदर ही बैठना पड़ता है। आप बताइए आपकी साइड कैसे हैं हालात? वैसे अपने आप को सेफ रखना भी बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आते जा रहे हैं, और डर भी लगता है बाहर निकलने से क्या करेंगे अब। इसीलिए सोचते हैं पूरा दिन अंदर बंद ही रहते हैं। जब रात में डिनर करने के बाद 10 साढ़े 10 बजे निकलते हैं, थोड़ा वॉक कर लेते हैं, बच्चे भी निकलते हैं साथ में, वो भी थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ी ताज़ी हवा भी रहती है ठंडी ठंडी, तो मज़ा भी आता है रात में। वैसे आजकल दिन में काफ़ी धूप भी हो जाती है, तो धूप में निकलना तो पॉसिबल नहीं होता है। आप सब भी जहाँ भी हैं सेफ़ रहें, ठीक रहें, बस यही दुआ है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि जब कभी दिन में कभी भीड़ भाड़ रहती है तो कम ही बाहर निकलें। रात में थोड़ा जब हो जाता है लेट तो लोग नहीं निकलते हैं, तो आप कोशिश करिए थोड़ा वॉक करिए। नहीं तो ऐसे क्या होता है, मंदा एक दिमाग में हमेशा क्या मतलब फालतू के चलता रहता है, ये है वो है ऐसा वैसा, उससे ना डिप्रेशन का भी ऐसा लगता है मुझे। कई बार पूरा दिन अंदर रहने से ना कुछ ऐसा बोरिंग सा हो जाता है, तो जब थोड़ा बाहर निकलते हैं तो काफ़ी फ्रेश महसूस करते हैं। आप भी थोड़ा बाहर निकला कीजिए सुबह में या शाम में, जब कभी कहीं बाहर इतनी भीड़ भाड़ ना हो, और कोशिश करें उन इलाकों में जाएं, उन जगह पे, उन पार्क में जाएं जहाँ पे लोगों का आना जाना कम रहता है। यहाँ पर भी जहाँ पे ज़्यादा मतलब कॉलोनी की उस साइड में ज़्यादा आना जाना, वॉक के लिए निकलते हैं डिनर के बाद लोग, तो हम उस साइड से जल्दी से निकल के हम सेफ़ एरिया में जहाँ पे कोई नहीं होता है वहाँ बच्चों को लेकर थोड़ी देर वॉक करते हैं। आप भी कोशिश कीजिए कि यही करें कि जहाँ पे थोड़ा सेफ हो, साइड पे हो, उस साइड पे निकल के आप थोड़ा वॉक कीजिए। और इसी तरह मैं आपको मैंने सोचा मैं दिखा लेती हूँ कि मैं हमारे जो नाइट व्यू का व्यू जो हमारी कॉलोनी का होता है वो कैसा होता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगी आपको वीडियो। हाँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरी वीडियो देखिए, पूरी वीडियो देखने के बाद ही कमेंट करें, क्योंकि अगर आप पहले कमेंट कर देते हैं वो स्पैम में चला जाता है, उससे वॉच टाइम भी काफ़ी कटता है। इसलिए कोशिश करें कि वीडियो थोड़ी कम से कम 2-4-5 मिनट वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप कमेंट करें। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी कॉलोनी का नाइट व्यू आपको कैसा लगा। सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकन दबाना कभी ना भूलें, मेरी ऐसे ही नई वीडियो आएंगी तो उनकी आपकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बच्चे बच्चे यहाँ पे बाहर से हॉर्स आए हुए हैं, और उनको भी आजकल कोई बाहर है नहीं है, कुछ भीड़ भाड़ नहीं है, तो उनको भी यहाँ पे थोड़ा सेफ लगा और अच्छा लगा कि यहाँ पे वो बैठे हुए रात में। ये भी आराम से अपने पेट भर के आराम कर रहे हैं यहाँ पर। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन रोल। इसको बनाने के लिए आपको मेरी वीडियो फुल वॉच करनी पड़ेगी। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन रोल। चिकन रोल बनाने के लिए हमने ले लिए ये थोड़े थोड़े चिकन, इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। देखिए छोटे छोटे क्यूब्स में हमने इसको काट लिया है। इसमें जो हम डालने वाले मसाले वो सारे ये है। थोड़ा सा हमने धनिया ले लिया, हरा धनिया, ये आ गया हरा पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन, लहसुन का पेस्ट बना के रख लिया। इसमें मैंने डाली है हरी इलायची, एक हरी इलायची का बीज निकाल के, एक मोटी इलायची का बीज निकाल के, और थोड़ा सा जीरा, थोड़ा अजवाइन लेके ये पाउडर बना लिया हमने। थोड़ी हल्दी ले ली है, मिर्ची ले ली है, नमक, प्याज और नींबू, हमें ये सब इसमें डालना है। अब हम इसमें डालेंगे ये पहले हरी मिर्च, थोड़ी हरी मिर्च डाल ली है, थोड़ा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा पुदीना, ये जो लहसुन का पेस्ट बना के रखा है, ये काली काली छोटी वाली इलायची ग्रीन, और ब्लैक इलायची बड़ी वाली, उस दोनों का बीज निकाल के, और थोड़ा अजवाइन, थोड़ा जीरा डाल के जो पाउडर बनाया है वो, हल्दी, मिर्ची,
नमक, प्याज, अब हम इसको करेंगे मिक्स। इसमें डालेंगे नींबू, हाफ नींबू मैंने इसमें डाल दिए हैं। अभी सारे को मिक्स करके हमने 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रहने देना है ताकि ये सारे मसाले इसमें अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएं। ये हो गया मिक्स, अब हम इसको बंद करके अब हम इसको रख देंगे, कम से कम 2 घंटा हमने इसको रखना है। ये मैंने इतना पेड़े बना लिए हैं 2, आप भी ऐसे ही पेड़े बना लीजिए। ये देखिए, अब मैंने वो जो 2 छोटे पेड़े बनाए थे उनमें से एक लेके रोटी बना ली। आप रोटी एकदम पतली रोटी बनानी है जिसमें से आपका हाथ भी सामने दिखे, इतना पतली रोटी होनी चाहिए। ये मैंने ऑल पर्पज़ फ्लोर ले लिया था मैदे का आटा, उसको अच्छे से गूंद के जैसे हम रोटी बनाते हैं ऐसे डो बना लिया था, एक सॉफ्ट डो। उसके बाद हमने इसको पतली, अच्छी पतली रोटी बनानी है। अब देखिए, ये देखिए मैंने बिल्कुल पतली रोटी बना ली है, इसमें से हाथ भी सामने दिख रहा है। अब हम इसको एक साइड से सेक लेंगे, दूसरी साइड से हमें इसको नहीं सेकना है। इधर मैंने पैन लिया है, पैन गर्म हो गया, अब इसमें मैं सेक लूँगी। अब ये देखिए मैंने रोटी बना ली है, इसको एक साइड से सेक लिया है, एक साइड से नहीं सेका है। आपको भी ऐसे एक साइड से सेक लेनी है और एक साइड से नहीं सेकना, ऐसे करके तैयार कर लेनी है। अब मैंने जिस पैन में रोटियां सेकी हैं उसी पैन में मैंने तेल लेकर, तेल अभी मैं इस तेल को गर्म कर लूँगी अच्छे से। अब ये देखिए जो मैंने मैरिनेशन के लिए चिकन रखा था वो अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। जो तेल हमने गर्म कर लिया था हमने इसी में डाल के हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, पका लेना है। इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है, उसी पानी में ही ये पक जाएगा अच्छे से। चिकन का जो पानी रहता है उसी पानी में अब इसको हमने लिड से कवर कर लेना है और इसको पकने देना है थोड़ी देर। देखिए अब हमारा मीट हो गया तैयार, हम मज़े की खुशबू आ रही है। इसमें जो मसाले डाले उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसको निकाल लेंगे अलग से बर्तन में। हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है, इसी के चिकन का जो पानी रहता है उससे ये गल गया है, तैयार हो गया। अब हम इसको डालेंगे जो हमने ये रोटी बनाई है, ये मैंने बनाई है मैदे की रोटी, बना ली रोटी। अब जो हमने जो साइड हमने सेकी है, जो पकाई है, उस साइड हमने इसको डालना है। हमने चिकन डाल लिया, अब इसके ऊपर हमने डालना है थोड़ा चीज़। ये अमूल चीज़ है, ये डाल दिया चीज़। अब हम इसको कर देंगे बंद। अब मैंने उसी पैन में डाल लिया घी, ये हमने फोल्ड कर लिया है चिकन रोल। अब हम इसको फ्राई होने के लिए मीडियम आंच पे हमने इसको फ्राई, मैंने घी डाल के इसमें गर्म किया है, तो अब हम इसमें मीडियम आंच पे रखेंगे और ऊपर से इसको हम बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए। देखिए अब एक साइड से एकदम मज़े का हो गया ये फ्राई, अब हम इसको दूसरी साइड से भी कर लेंगे ऐसे फ्राई। अगर आप इसको थोड़ा तेज़ रखोगे जल जाएगा, थोड़ा मीडियम रखोगे गैस का फ्लेम तो ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब ये देखो अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी बन रहा है, हम इसे भी इस साइड पूरा पका लेंगे, ऐसे ही पूरा घुमाते हुए हर साइड से अच्छे से सेक लेंगे।
ये देखिए अब हमारे चिकन रोल तैयार हो गए हैं, एकदम बढ़िया मज़े के चिकन रोल हैं। इसको मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। एकदम से जो अंदर में हमने चीज़ और चिकन डाल के रखा वो एकदम मिक्स हो गया, चीज़ एकदम पिघल गई है और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की ये बनी। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, देखना कितने मज़े की। जो मार्केट का चिकन रोल रहता है उसको खाना आप भूल जाएंगे अगर आप एक बार इसको ट्राई करेंगे। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी।